विषय की नियतता सभी अभाघटक मेरा अभाग्य। बच्चों, हमने पिछले पाठ में इस पाठ का कुछ हिस्से का अभ्यास किया है, अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं पाठ की ओर। सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। उल्लास का मतलब है आनंदित। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। देखो बच्चों, यहाँ लेखक गुरुदेव से मिलकर आ गए हैं। चलो हम आगे चलते हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना अत्यंत प्रसन्न होना। यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। देखो, जहाँ लेखक ठहरे थे वहाँ गुरुदेव ने नोबल पारितोषिक पुरस्कार गीतांजलि का क्या की थी, लिखी गई थी। इसलिए लेखक को बहुत आनंद हो गया। चलो बच्चों, हमारा पाठ समाप्त हो गया है। दिए गए शब्दार्थ लिखना है। धन्यवाद।